सोचा कि मैं पूरा डेडिकेटेड वाला वीडियो बनाऊंगी कि अरे कितनी मेहनती सी लड़की है, काम करती है फिर आके पढ़ती है। पर अभी अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और इतना ज़्यादा मैं थकी हूँ, लिटरली मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी ब्लॉग करूँ। बट बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मेरे को ब्लॉग करना है क्योंकि कंटेंट की कमी हो रही है, तो आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए आज तो मैं ब्लॉग करूँगी। देखो मैं कितना कर पाती हूँ, ये वीडियो अपलोड होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं डेडिकेटेड कुछ कंटेंट बना पाऊँगी तभी तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, ये 2-3 मिनट का वीडियो तो अपलोड कर नहीं सकती। सो अभी जस्ट मैं आई हूँ और अभी मैं चेंज करके आती हूँ, देन आफ्टर कुछ मैं मेरे लिए बनाऊँगी स्नैक्स वगैरह में, और उसके बाद वैसे तो मैं रोज़ रात को खाना खाने के बाद वॉक पे जाती हूँ, बट मेरे को इतना नींद आ रहा है क्योंकि अगर आज मैं रूम में रही तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, मैं सो जाऊँगी। सो अभी हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा खाने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक पे जाऊँ, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मौसम बिल्कुल भी धूप नहीं है, पूरा लाइक थोड़ा सा बारिश बारिश का माहौल बना हुआ है। चलो अभी मैं आती हूँ कपड़ा चेंज करके, देन आपको फिर से मिलती हूँ। दिस इज द चाबी ऑफ माय कबर्ड जिससे अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे। दिस वन एंड दिस वन। आउटफिट और ये आपको मेरे बेड पे रखा हुआ दिख गया होगा बैग। मैं बिल्कुल भी अपना सामान ठीक से नहीं रखती हूँ, इधर उधर फेंक देती हूँ जिसकी वजह से मेरा रूम कचरा बनते जाता है। सो अभी मैं थोड़ा सा फेस वॉश करके हाथ पैर वगैरह धो के थोड़ा सा सांझ दिखा दूँगी, लाइक दीप वगैरह जला दूँगी भगवान जी के पास। उसके बाद आई थॉट कि मैं मैगी बनाऊंगी और मेरे पास थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक भी है, वो भी मैं पीऊंगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। उसके बाद चलिए आप लोग मेरे बाथरूम में ही, जो बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं है गाइस। और ये है मेरा बाथरूम, मेरा आवाज़ थोड़ा इको हो रहा होगा है, मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, तो आई थॉट इस बार मैं बड़ा वाला पैक मंगाऊँ क्योंकि फिर टेंशन फ्री होके यूज़ करूँगी, जल्दी जल्दी ख़त्म होने का टेंशन नहीं होगा। दिस इज़ द फोमिंग फेस वॉश जिसमें आई थिंक सैलिसिलिक एसिड होता है जो आपके लाइक पिंपल रेडनेस वगैरह को ट्रीट करता है। क्योंकि शाम को पूजा करने से मेरे को थोड़ा सा लाइक वाइब अच्छा आता है, सुबह तो मैं पूजा करके चली जाती हूँ। सो अभी मैं थोड़ा सा पूजा करके उसके बाद यहाँ जो आपको दिख रहा होगा केटल उसमें मैगी बनाऊंगी। पहले आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे बस हॉल वीडियो आता है, तो हॉल वीडियो में बोलना इजी है क्योंकि मैं थोड़ा सा नोट करके रखती हूँ कि कौन सा मटेरियल है, क्या साइज है, दिस दैट एवरीथिंग। बट ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लगता है, बट क्या है ना कि जब आपका आप जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा क्या था कि मैं पूरा टाइम घर पे रहती थी, मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया था, लास्ट ईयर में थी मैं कॉलेज में तो उतना कुछ प्रेशर नहीं होता लास्ट ईयर में, तो मैं आराम से लाइक वीडियो बनाती थी। अभी क्या है ना कि 9 to 5 करने के बाद, और मेरा जो जॉब है करेंट जॉब उसमें क्या है मंडे टू सैटरडे वर्क है, सिर्फ संडे को छुट्टी है, तो वो छुट्टी एक दिन का छुट्टी में बहुत मुश्किल है कुछ भी ऐसे वीडियो शूट करना। और सिर्फ वीडियो शूट करने का नहीं होता, हॉल वीडियो के लिए प्रॉपर आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद कुरियर बॉय आएगा, उसके बाद आपको ऑर्डर रिसीव करना है, और कुछ प्रोडक्ट ही मैं रखती हूँ जिससे लाइक वो लोग मेरा अकाउंट ब्लॉक ना करें, या फिर जिसका मेरे साथ कोलैबोरेशन है वो तो मैं प्रोडक्ट रख लेती हूँ क्योंकि उसका फिर पैसा वेस्ट हो जाता है हर मंथ का जो आता है पैसा, और बाकी जो जिसका मेरा कोलैबोरेशन नहीं है उसमें मैं ज़्यादा प्रोडक्ट रखती नहीं हूँ, तो वो सब रिटर्न भी करना पड़ता है, तो उसके लिए चाहिए प्रॉपर टाइम और आपको अवेलेबल होना चाहिए, आप मतलब अपने रूम पे होने चाहिए। और मैं ऑफिस होती हूँ उसके बाद ये रिटर्निंग वाला प्रोसेस, ऑर्डर रिसीव करने वाला प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक होता है, हेक्टिक क्या पॉसिबल ही नहीं। मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग करूँ, और आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करो, मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। बाकी बाद में बात करते हैं, पहले मैं पूजा कर लूँ।
आने के बाद सोच रही थी कि मेरे को वॉक पे जाना पड़ेगा थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए, बट अभी मैगी और कोल्ड ड्रिंक के बाद मेरे को लग रहा है कि अभी मैं आराम से ब्लॉग कर सकती हूँ और अपना कुछ काम है मेरे को वो अभी हम लोग जस्ट ये वाला फिनिश करने के बाद कुछ काम करूँगी मैं, उसके बाद खाना खाऊंगी, उसके बाद घर पे बात करूंगी, फिर वॉक भी करूंगी थोड़ा बहुत, आपको दिखाऊंगी मेरे आसपास में कितना ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, काफ़ी अच्छा लाइक वाइब है यहाँ का, वाइब बोलो पीस है, सुकून है यहाँ। और मेरा मन करता है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ पर क्या है ना, अरे सही लाइटिंग आ रही है, हाँ मेरा मन करता है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ पर क्या है कि जो हॉल वीडियो बनाती हूँ उसमें तो लाइक आ जाता है थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग, बट हॉल में तो क्या ही अर्निंग आएगा, ना ही आप लोग लिंक पे जाके कुछ खरीदने वाले हो, क्योंकि मैं लिंक दूंगी ही नहीं ना, मतलब दूंगी ही नहीं, तो आप क्या हॉल वीडियो में जाके खरीदोगे। मैं बात करने बैठूंगी ना तो ये 20-25-30 मिनट का वीडियो बन जाएगा और उसको एडिट करने में मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। आप लोग अगर आप लोग को एक्चुअली में मेरे हॉस्टल रूम का टूर चाहिए या फिर आप लोगों को मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी जानना है, यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड कुछ भी जानना है, मेरे जॉब से रिलेटेड कुछ भी जानना है, मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। जब भी मैं Q&A टाइप का कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो के कमेंट में आऊं और यहां से क्वेश्चन पिक करके ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आई थॉट कि मैं अपना इवनिंग रूटीन दिखाने वाली हूँ और इसमें मैं बात की जा रही हूँ, तो देखिए ये वाला खा के फिनिश करके अभी 40-45 मिनट हुआ है और मैं सोच रही थी मैं पूरा डेडिकेटेड वाला वीडियो बनाऊंगी कि अरे कितनी मेहनती सी लड़की है, काम करती है फिर आके पढ़ती है, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यार पढ़ाई करने का, 1% भी मन नहीं कर रहा। तो अभी मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का, मैं अभी सच्ची में मैं रोज़ टीवी वीवी देखती हूँ, गाना वाना सुनती हूँ टीवी पे, पर क्या है ना कि अभी मैं अगर टीवी स्टार्ट करूँगी और उसमें अगर गाना बजता है तो मेरे चैनल पे लग जाएगा कॉपीराइट, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना क्योंकि मैंने पूरा ऐसे प्लानिंग किया था कि मैं तो बहुत दिखाऊंगी ऐसा कि मैं बहुत टाइम तक पढ़ती हूँ फिर मैं खाना खाने जाती हूँ, और 40 मिनट हुआ होगा, उससे 1-2 मिनट भी ज़्यादा नहीं हुआ होगा मेरे को पूरा पता है, और शर्म आ रही है गाइस, क्या हरकत करती हूँ मैं, रुक जाओ चलो मैं थोड़ा सा लाइक वैसे तो मैं रात को कुछ वैसे तो मैं रात को कुछ स्किन केयर में नहीं करती हूँ, बस एक चीज़ में लगाती हूँ सीरम मामा अर्थ का, वो मैं अभी लगाऊंगी। सॉरी मेरा मन कर रहा मैं कहाँ मुँह छुपाऊँ यार, यार मेरा यही डेली का रूटीन है, नहीं पढ़ पाती हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ना मैं कंटेंट बना पाती हूँ और नहीं मैं पढ़ पाती हूँ, बस मेरा ड्यूटी चलता है, तैयार होकर जाती हूँ, आती हूँ, खाना खा के सो जाती हूँ, यही है, और थोड़ा बहुत मैं स्किन केयर कर लेती हूँ, वो भी मैं सच्ची बताऊँ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा पिंपल वाला स्किन, और पिंपल वाले स्किन का जो दर्द होता है ना वो जिनको पिंपल आता है वही बता सकते हैं आपको, इतना कुछ करो फिर एक इधर पिंपल जब आता है ना तो मूड ख़राब हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पिंपल उम्पल आए। और अभी और एक और बात बताऊँ मैं मेरे पास ना एक सेकेंड कैसे बैठी हूँ मैं बताऊँ, मेरे पास एक ही फ़ोन है ये वाला जिससे मैं शूट कर रही हूँ, और मेरा मन कर रहा है रील्स देखने का, मेरा मन कर रहा है यूट्यूब देखने का, और मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। कोई बात नहीं हो जाता है यार, यार मैं सबको देखती हूँ इतना लाइक प्रोडक्टिव डे ये डे वो डे वाला वीडियो बनाते हुए पूरा दिन ऐसे काम कर करके,
रात को थक के मस्त सोने जाते हैं। अब पता नहीं, मैं हमेशा ही थकी हुई रहती हूँ। वहाँ ऑफिस में भी मुझे लोग यही बोलते रहते हैं, नींद आ रहा है क्या, सो जाओ, सो नींद नींद में लग रही हूँ। मतलब मेरा हो गया है काम, मेरा ख़त्म हो गया है, पता नहीं कैसे, पर मेरा हो गया है काम ख़त्म। अब मेरे से क्या बोलूँ, सब लोग मेरे से एनर्जेटिक है। क्या हो गया है, मेरा जवानी में बुढ़ापा आ गया है कि क्या हुआ है, मेरे को खुद को नहीं पता। कोई बात नहीं, होता है यार, कुछ कुछ लोग लेजी होते हैं, मैं भी हूँ लेजी, और कुछ ऐसा वैसा बात नहीं है। और पीछे देखो, मैंने आपको दिखाया नहीं ना, वो वाला पेंटिंग देखो कितना प्यारा है, वो पेंटिंग अभी दिख ही नहीं रहा, लाइट ऑफ था ना रूम का, लाइट ऑन होगा फिर मैं दिखाऊंगी। इतना प्यारा रूम है ना मेरा, आई जस्ट लव इट। अभी मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ, फिर हम लोग चलेंगे बाहर टहलने। जनरली मैं जाती हूँ खाना खा के टहलने, पर अभी मैं जाऊँगी अभी टहलने, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। हाँ, लोगों को पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मेरे को कोई ऐसे कैमरा लिए देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये हो रही हूँ कि कोई मेरे को देखने छुप छुप के ऐसे जा रही हूँ।